भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9000 केस आए सामने, संक्रमित मरीजों की संख्या 87000 के ऊपर। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने शानदार अटल पुल का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पुणे सोलापुर मार्ग पर बड़ी डकैती, फिल्मी स्टाइल में पहुंचे लुटेरों ने लूटे 3,60,00,000 रुपए। सोनाली फोगाट केस में पुलिस ने करली क्लब के मालिक को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 28 अगस्त को होने वाला मुनव्वर फारूकी का शो हुआ कैंसिल, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत। नीरज चोपड़ा की धमाकेदार वापसी, लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत रचा इतिहास। पूर्वोत्तर भारत सहित यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए आईएमडी ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पाकिस्तान में बाढ़ से हालत बेकाबू, सरकार ने घोषित की रेन इमरजेंसी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का बुरा हाल, बीते दिन रिलीज हुई लाइगर की हालत भी अब पस्त। श्रीलंका और अफगानिस्तान मैच से होगा एशिया कप का आगाज, 15 दिन में खेले जाएंगे 13 मुकाबले।